हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल। दोस्तों, आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं एक ऐसा स्कूटर लेकर आया हूँ जो कि एक मोपेड है और इस स्कूटर का जो नाम है डिटेल इजी कर ये आता है और आपने इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और देखा होगा इस स्कूटर को। आज आपके चैनल में यानी कि इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल के चैनल में भी यह स्कूटर आ चुका है, तो इस स्कूटर के बारे में रेंज, प्राइस प्लस इस स्कूटर का और भी डिटेल जानने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। बेसिकली हम बात करेंगे इस स्कूटर का फ्रंट लुक से, यानी कि इस स्कूटर को यदि आप देखोगे मोपेड को तो फ्रंट लुक जो दिया गया है वो गोल हेडलैम्प मिल जाता है जो कि LED दिया गया है और ये काफ़ी इजी है और एक सिंपल, जैसे आप स्कूल जाना चाहते हो या कॉलेज जाना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्कूटर है। और फ्रंट लुक आप कुछ इस तरह मिलेगा और फ्रंट में जो आप एप्रॉन पे यहाँ पास डिटेल का लोगो मिल जाता है और लिखा हुआ मिल जाता है। इसके नीचे आप जब आओगे तो आपको यहाँ पास मिलने वाला है टायर जो कि ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पास जो आप ब्रेक देखोगे उसमें ड्रम ब्रेक का यूज़ किया गया है और सस्पेंशन जो दिया गया है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। दोस्तों, यदि बॉडी की बात करें इसकी तो काफ़ी अच्छा इसमें फाइबर प्लास्टिक यूज़ की गई है और काफ़ी मजबूत यह स्कूटर बनाया गया है, तो बॉडी वगैरह भी काफ़ी अच्छा इसके चेसिस दिया गया है। दोस्तों, इस स्कूटर को आप इस चाबी के हेल्प से स्टार्ट कर पाओगे जो कि सिंपल चाबी आपको दो मिलती है और इसके साथ ही इसमें यदि आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे तो आपको फुली डिजिटल मिलने वाला है, तो राइडिंग मोड्स के इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं और इसमें बैटरी परसेंटेज प्लस इसके साथ टोटल किलोमीटर शो करेगा। दोस्तों, यह स्कूटर आपको काफ़ी अच्छा दिखने वाला है और आप जब इसको चलाओगे तो काफ़ी हल्का महसूस होगा, यानी कि काफ़ी हल्का स्कूटर है तो कंट्रोल करने में काफ़ी इजी है। आपके घर पे यदि छोटा बच्चा है तो वो भी इसको इजी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अब ORBM यदि देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, ये तो वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। और यदि ब्रेक वगैरह की बात करें तो ब्रेक जो दी गए हैं काफ़ी स्मूथ मिलती हैं ब्रेक। यहाँ आपको दो राइडिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है जो कि स्विच दी गई है, 10 इंडिकेटर की स्विच दी गई है जो कि लेफ्ट और राइट है और इसके साथ यहाँ पास जो 10 इंडिकेटर लाइट्स मिलती हैं वो यहाँ पास देखने को मिलेगा LED और ग्लो होने के बाद काफ़ी अलग फील होता है। दोस्तों, यदि हॉर्न की इसकी बात करें तो को काफ़ी हल्का है बट ठीक ठाक मिलता है। दोस्तों, यह स्कूटर में जो खास बात यह लगी कि आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि जैसे कि आपको यदि इस स्कूटर का बैटरी डेड हो गई, यानी कि आप कुछ लंबी दूरी जा रहे हो और आपको याद नहीं है कि कितना बैटरी मैंने चार्ज की और यदि चार्ज है या नहीं, बीच में यदि कहीं रुक जाती है तो आपको ये पैडल का ऑप्शन मिल जाता है जिसके हेल्प से आप इसमें चार्जे और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसमें दी गई है इस मोपेड में। और यदि बात करें इस स्कूटर में जो मोटर मिलती है वो फुल्ली वाटरप्रूफ है, तो काफ़ी अच्छा यह स्कूटर है। दोस्तों, यदि सीट की बात करें, यदि लोड कैपेसिटी की बात करें तो 150 आपको लोड कैरी मिलती है और आपको लंबी सेप पे आपको देखने को मिल जाती है एक सीट। दोस्तों, इस सीट को ओपन करने के लिए एक आपको पीछे पोर्ट मिल जाता है, उसके हेल्प से आप इसको ओपन करोगे और यहाँ आपको मिल जाता है MCB स्विच जो कि आपको गिरानी होगी, मतलब कि ऑफ़ करना होगा, फिर इसको आप बैटरी को एक्सेस कर पाओगे यानी कि निकाल पाओगे। मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ, ये आपको पहले केबल रिमूव करना होगा, उसके बाद ये जो बैटरी है वो आपको इजी तरीके से आप देख सकते हैं इसको रिमूव कर कहीं भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूँ इस बैटरी की कैपेसिटी की, 48 वोल्ट 20 AH की इसमें बैटरी दी है जो कि पोर्टेबल है और आप यदि फ्लैट वगैरह में रहते हैं, नीचे स्कूटर है तो आप ले जा सकते हैं। यदि वारंटी की बात करूँ तो 2 ईयर्स की आपको वारंटी मिलती है और हाई वोल्ट की है जो है तो एक बैटरी है और काफ़ी इजी है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, जैसे कि आप नाम से देख सकते हो इजी है। और यदि सस्पेंशन की बात करें इसमें तो मिलने वाले हैं पीछे की ओर हाइड्रोलिक सस्पेंशन और अभी हम इस स्कूटर को चला कर देखेंगे कैसा इस स्कूटर में चलाने में फील होता है। पीछे की ओर आप देखोगे तो जो टेल लैंप दिया गया है वो काफ़ी छोटा दिया गया है और टर्न इंडिकेटर जो लाइट है वो भी काफ़ी छोटी मिलती है जो कि बगल पे दी गई है। इसमें आपको लाइसेंस वगैरह की किसी तरह की ज़रूरत नहीं होने वाली क्योंकि ये एक मोपेड है और कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो। अब मैं इस स्कूटर की जो बैटरी है उसको पहले रख देता हूँ, फिर आपको चलाकर दिखाता हूँ।
ये काफ़ी इजी है। आप यदि देखोगे इस स्कूटर को तो इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी सिंपल तरीके से जा सकती है अंदर और आप कोई भी निकाल सकता है दोस्तों। अब आपको इसको ऑन करना होगा, अब आपके ये स्कूटर बेसिकली चलने लगेगा। दोस्तों यदि लोड कैपेसिटी की बात करें इसमें तो 150 केजी इसका लोड कैरी कर सकते हो इस पर, और यह स्कूटर काफ़ी छोटा है जो कि मोपेड के नाम से जानते हो, डिटेल तो लिखा ही हुआ है इस बगल पे। और ये कंपनी काफ़ी जानी मानी कंपनी है, यदि आपको यह स्कूटर को लेना है तो आपको 40,000 रुपये खर्च करने होंगे। और आपको यदि इस स्कूटर का शोरूम देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन पर पहले जाना होगा, उसके बाद आप एड्रेस इसका फुल मिल जाएगा, तो आप यह स्कूटर को बेसिकली ले सकते हो। और इसका जो मोटर रिस्पॉन्स है काफ़ी बेटर है, यदि आप हल्का सा भी इसकी थ्रॉटल देते हो तो रिस्पांस देख सकते हो ये। और यदि बैटरी वगैरह डेड होती है तो पैडल स्टिक का भी इसमें यूज़ आप कर पाओगे। और देख सकते हैं आप कितने छोटे एरिया में इसको घुमाया जा सकता है, तो आप पावर वगैरह तो देख सकते हो इस स्कूटर में। दोस्तों वारंटी की बात करें तो 1 ईयर की इसमें जैसे थ्रॉटल पे, मोटर पे ये सब मिलती है, और बैटरी पे आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है। दोस्तों आपको स्टार्ट करने के लिए पहले स्विच से ऑन करना होगा, यानी चाबी की ज़रूरत होगी, और डिस्प्ले आपको कुछ ऐसी दिखाएगी, मतलब कि अब मैं पहले मोड पे इस स्कूटर को फर्स्ट मोड पे राइड करूँगा तो देखिए इसकी स्टॉप स्पीड कितनी मिलती है। दोस्तों इस स्कूटर का आप टॉप स्पीड देख सकते हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिव ये स्कूटर है। अब हम इस स्कूटर को ले जाएंगे रोड पे और इसका मैं जो है तो टॉप स्पीड दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं सेकंड मोड सेलेक्ट करने वाला हूँ, आप देख सकते हो डिस्प्ले पे सेकंड मोड का ऑप्शन दिया होगा। दोस्तों इस स्कूटर को चलाने में काफ़ी कंफर्ट आपको फील होगा, इसके साथ इसकी ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। मैं ब्रेक लगाकर देखता हूँ तो ब्रेक वगैरह भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस करता है, और इसका हॉर्न भी काफ़ी ठीक मिल जाता है आपको। और इस स्कूटर के बारे में आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।